क्लास फिफ्थ लेसन 9 में आज हम फोर्स के बारे में कुछ और देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑलरेडी नो डेट स्टेट ऑफ मोशन कैन बी चेंज बाई अप्लाइंग फोर्स। हम पहले से जानते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कब चेंज होगा, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी व्हेन एक्टिंग ऑन इट। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश और पुल। जब हम किसी बॉडी पर धक्का दे रहे हो तो उसको खींच रहे हो तो उसका स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या हुआ कि वह बॉडी रेस्ट में होगी तो चलने लगेगी और चल रही होगी तो रेस्ट में आ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स की वजह से क्या होगा, जो कोई भी बॉडी होगी वह अगर हम उस पर धक्का देंगे तो क्या होगा, चलने लगेगा। यदि हम उसको खींच लेंगे, रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह रुक जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स आर पुशिंग और पुलिंग ए डोर टू ओपन इट। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है फोर्स का, पुशिंग और पुलिंग का क्या है? डोर को जब हम पुश या पुल करते हैं, यानी जब हम डोर को पुश करेंगे या उसको पुल करेंगे, क्या है ये एक कॉमन एग्जाम्पल है किसका? फोर्स का, जो कि पुश और पुल को दिखाता है। जब डोर होता है ना, डोर को आप क्या करते हैं? पुश करते हैं या फिर उसको पुल करते हैं। उसको खोलने के लिए पुश या पुल जो करते हैं वो क्या है? फोर्स का ही एग्जाम्पल है। ए वेजिटेबल वेंडर पुशिंग ए कार्ट टू मूव इट एंड ए किकिंग ए बॉल। इसी तरह जो सब्जी बेचने वाला है वो अपने ठेले को क्या करता है? पुश करता है। और क्या होता है? बॉल को हम क्या करते हैं? किक करके उसको भी क्या करते हैं? पुश करते हैं। बिसाइड चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन अदर इफेक्ट ऑल्सो। केवल वो स्टेट ऑफ मोशन ही नहीं बदलता, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अवस्था को नहीं सिर्फ बदलता कि यदि वो रेस्ट में है तो चल रही है तो रेस्ट में आ जाए, बल्कि उसके अलावा भी उसके कई सारे इफेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, वी पेडल द बाइसाइकिल विथ लेस फोर्स वेन वी वॉन्ट टू मूव इट स्लोली। जब हम चाहते हैं कि हमारी साइकिल धीरे चले तो हम उसके पेडल को क्या करते हैं? धीरे धीरे लगाते हैं। With more force, we want to move it fast. और जब हमको अपनी साइकिल तेज चलानी होती है तो हम उसके पैडल को क्या करते हैं? तेज तेज चलाने लगते हैं। क्रिकेट प्लेयर हिट द मूविंग बॉल विद देयर बैट एंड डिफ्लेक्ट इट इन विच डायरेक्शन दे वॉन्ट। और क्रिकेट प्लेयर क्या करते हैं कि जब कोई बॉल उनकी तरफ आ रही होती है तो वह उसको जिस डायरेक्शन में क्या करना चाहे उसको हिट कर देते हैं अपने बैट से, और जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं बॉल उस डायरेक्शन में चली जाती है। टू स्लो डाउन ए स्विंग वी पुश इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जब हम झूले पे बैठ के झूल रहे होते हैं तो अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? एक फोर्स लगाते हैं। वी स्ट्रिच ए रबर बैंड टू चेंज इट सेप एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? रबर बैंड के सेप को चेंज करने के लिए उसको क्या कर देते हैं? खींच देते हैं। सो वी मे कंक्लूड डैट फोर्स कैन ऑल्सो चेंज स्पीड डायरेक्शन एंड मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि फोर्स जो है वह किसी भी बॉडी के स्पीड को कि वो किसकी स्पीड जो भी हो कि उसको उसके डायरेक्शन को दिशा को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, और साथ ही साथ किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज को भी चेंज कर देता है। तो फोर्स क्या करता है? कोई भी मूविंग बॉडी होगी उसकी स्पीड को बदल देगा, उसके डायरेक्शन को बदल देगा, उसके शेप को बदल देगा, उसके साइज को बदल देगा। ठीक है, यही इस नॉलेज बैंक में भी दिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स, इसके बाद हम देखेंगे कि फोर्स कौन कौन से टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जिसमें हम अपने मसल्स का यूज करते हैं उसे कौन सा कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। जैसे लिफ्टिंग है स्कूल बैग उठाना, किसी बॉल को किक करना या दरवाजे को खींचना, या किसी सामान को धक्का देना, डेस्क को चेयर को धक्का देना, ये सभी क्या है? इसमें अपने मसल्स का यूज कर रहे हैं, मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स। दूसरा क्या दिया? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स डैट अपोजिट द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि ऐसा फोर्स है जो हमारे मोशन का विरोध करता है, एंड देयर फोर ट्राई टू स्टॉप और स्लो डाउन ए मूविंग बॉडी, जिसकी वजह से वो और कोशिश करता है कि जो भी बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड या तो स्लो हो जाए या तो वह रुक जाए। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। ए बॉल मूविंग ऑन ए ग्राउंड कम टू रेस्ट ऑन इट्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है? जब आप एक बॉल को जमीन पे क्या करते हैं, उसको पुश कर देते हैं हल्का सा, तो उसमें मोशन आ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, वो बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगी, क्योंकि उसके अपोजिट क्या कर रहा है? एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, उस धीरे धीरे पहले उस बॉल की स्पीड को कम करेगा, उसके बाद से क्या करेगा, उस बॉल को रोक देगा। वी आर एबल टू वॉक स्मूथली ड्यू टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से हम आसानी से चल पाते हैं या अपने कॉपी के पेज पर लिख पाते हैं।
मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाई मशीन इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। वह सभी फोर्स जो मशीन द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। कार, बस एंड अदर व्हीकल मूव ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस बाई देयर इंजन। कार, बसेस, ये सभी क्यों चलती हैं? क्योंकि इनके इंजन जो होते हैं वो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या होता है कि जब हम एक रबड़ बैंड लेंगे और उसे हम खींचते हैं, ठीक है, एक रबड़ बैंड लेके अगर आप खींचिए और कुछ समय बाद उसको वापस छोड़ दीजिए तो क्या होगा, वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो वह फोर्स जिसके वजह से क्या हो कि कोई भी चीज़ जिसे हम खींच रहे हैं, यानी कोई भी इलास्टिक जिसे हम खींच रहे हैं, ठीक है, उसमें इलास्टिक फोर्स लगा रहे और जैसे ही हम उसको छोड़ दें वो क्या हो जाए, अपने पुराने पोजीशन में आ जाए, तो कौन सा फोर्स कहलाता है? इलास्टिक फोर्स कहलाता है। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, वह फोर्स जो मैग्नेट द्वारा लगाया जाए, यानी चुंबक द्वारा लगाया जाए। मैग्नेट मतलब क्या होता है? चुंबक द्वारा लगाया जाए, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, मैग्नेट्स एक दूसरे से चिपकते हैं, या मैग्नेट या आयरन के जो भी बने हुए सबस्टेंस है वो भी मैग्नेट में आके चिपक जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने कई बार सुना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वह फोर्स जो जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विच एनी टू ऑब्जेक्ट पुल ईच अदर, जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी जब हम किसी चीज़ को ऊपर भेजते हैं ज़मीन से तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट वापस से ज़मीन पे आ जाता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है कि जो पेड़ों में फल लगे रहते हैं वह ज़मीन पे नीचे गिर जाते हैं, कोई बॉल जो है वो ऊपर जाती है वो भी क्या होती है कुछ समय बाद नीचे आके गिर जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और साथ ही साथ इसी की वजह से जो अर्थ और बाकी सभी प्लैनेट हैं वो सन के चारों ओर अपनी फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा पाते हैं, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक वर्क। वर्क क्या होता है? सपोज यू विश टू मूव अ वॉल बाय पुशिंग इट। मान लीजिए कि आपकी इच्छा है कि आप एक दीवार पे धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, और धक्का लगा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि दीवार मूव कर जाए। यू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स ऑन इट बट इवन आफ्टर मच आवर इट डज नॉट मूव इवन ए बिट फ्रॉम इट्स प्लेस। आपकी इच्छा है कि आप दीवार पे धक्का लगा रहे हैं और वो मूव कर जाए, आप ऐसा सोच के दीवार पे धक्का लगा रहे हैं, लेकिन आप घंटों प्रयास किए, लेकिन उसके बाद आपको क्या देखने को मिला कि आपने काम तो किया, दीवार पे धक्का लगाया, ठीक है, लेकिन दीवार अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं खसका। You feel tired and think you have done lot of work on wall. आप क्या होंगे? आप थक जाएंगे, क्योंकि आप काम तो कर रहे थे तो क्या होगा, दीवार पे धक्का तो आप घंटों से लगा रहे थे तो क्या होगा, आप थक जाएंगे, आपको थकान महसूस होने लगेगी और आप सोचेंगे कि आज मैंने बहुत काम किया। But in terms of science, you have not done any work. लेकिन साइंस की भाषा में आपने वहाँ पर कोई काम नहीं किया, आप अपने जानने में दीवार पर धक्का लगा रहे हैं, आप थक भी गए तो आपको लगेगा कि आपने बहुत काम किया, बट एक्चुअली साइंस की लैंग्वेज में यदि हम देखें तो आपने कोई काम नहीं किया, वहाँ पर आपने कोई भी काम नहीं किया। इन साइंस वर्क इज सेड टू बी डन ओनली इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। साइंस की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है कि यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या हो, वह बॉडी मूव कर जाए। यदि आप किसी टेबल पर फोर्स लगा रहे हो और टेबल क्या करता है, मूव कर जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पर आपने वर्क किया। लेकिन यदि आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं और दीवार मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर आपने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ वर्क आर, एग्जाम्पल कुछ वर्क का देख लीजिए, जैसे मूविंग ए कार्ट, यदि हम किसी ठेले या कार्ट को चला रहे हैं तो क्या हुआ, वह मूव कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन में, इसका मतलब वहाँ पर वर्क हो रहा है। किकिंग ए फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को जब पैर से मारेंगे तो भी क्या करेगा, वह मूव कर जाएगा, इसका मतलब वहाँ पर भी वर्क हो रहा है। पिकिंग अप ए बुक फ्रॉम टेबल एंड कीपिंग इट ऑन द सेल्फ, टेबल पर से बुक उठा के उसको बुक सेल्फ पे रख देना, यानी रैक में रख देना, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आपने क्या किया, सामान को उठाया और रखा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सामान अपनी जगह से मूव किया, इसका मतलब यहाँ पर भी आपने क्या किया, वर्क किया। हिटिंग ए बॉल विथ ए बैट, बॉल को बैट से जब आपने हिट किया तो वहाँ पे भी आपने क्या किया, वर्क किया। तो वर्क करने पर क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, फोर्स की डायरेक्शन में। तो आपको वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।